हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और मुझे आपको अवेयर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको जैसे कि पता है, मानसून का सीजन पूरे इंडिया में चल रहा है, जिसके साथ बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हम इंडिया के कुछ स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हुए हैं, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें पंजाब आता है, जो कि मेरी करंट स्टेट है, जहां पे रोज बारिश जैसा मौसम होता है, बट बारिश का नामो निशान नहीं। और अगर गलती से बारिश हो भी जाए तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। सो इन कंडीशंस में जो है बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है जो हमें हो सकती है, जिसके लिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ वायरल इन्फेक्शंस की बात करूंगी, जैसे कि मलेरिया, डेंगू एंड टाइफाइड। आपको पता है आजकल मॉनसून में मच्छर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसकी वजह से मलेरिया एंड डेंगू या टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन है इस मॉनसून के सीजन में। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, हर दूसरे से तीसरे इंसान को इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी होगी। और उसके साथ साथ कोल्ड एंड कफ, ये कॉमन फ्लू है जो इस मॉनसून के सीजन में हो जाते हैं। बट कोरोना वायरस से जब हम इन चीजों को रिलेट करते हैं, तब ये चीज और भी ज्यादा डरावनी लगने लग जाती है। जैसे कि मैं आपके साथ मेरे घर का करंट सिनेरियो शेयर करूंगी, जिससे मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि मैं आज आपके साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी। मेरा जो ब्रदर है वो कुछ दिन पहले जो है एकदम धूप में गया, और एकदम जब धूप से अंदर आया तो उसको एकदम से बहुत ज्यादा स्नीज होने लग गई, जिसकी वजह से उसको कोल्ड हो गया। और उससे उसको दो दिन फीवर भी रहा, और उससे के बाद जो है उसे कफ होनी शुरू हो गई। और उसने क्या किया, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस के भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस हैं। फीवर हो जाता है, कोल्ड तो नहीं है, कफ हो जाती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कोरोना से भी रिलेट करते हैं। तो उसने क्या किया, अपने आप को कुछ दिन के लिए अपने घर पे ही, मतलब अपने रूम में ही क्वारंटीन कर लिया। बट उसकी वजह से मुझे भी कोल्ड हुआ और मुझे भी कफ होने लग गई, तो हम और ज्यादा डर गए। जैसे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज हमें काफी सीरियस लगी। तो हमने क्या किया, फिर कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि बाय गॉड्स ग्रेस जो है वो नेगेटिव आया। बट ये जो चीज है इतनी ज्यादा डरावनी हो गई थी, हमारे घर का माहौल इतना ज्यादा डरावना हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीज आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आजकल मॉनसून का सीजन है और ये प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकती हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। यही मोटिव है मेरी इस वीडियो का, कि अगर आपको लगे कि आपको कोल्ड है, कफ है या हल्का सा फीवर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जरूरी नहीं है कि आजकल अगर कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है हेल्थ से रिलेटेड तो वो कोरोना वायरस से रिलेट करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपके साथ अब मॉनसून सीजन में होने वाली जो मैंने आपके साथ इन्फेक्शन और फ्लू बताए आपको, उसको अवॉइड कैसे करना है या उससे रिलेटेड आपको अवेयर कैसे होना है कि आप इन चीजों से बच सकें, ये आपके लिए और सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मॉनसून या रेनी सीजन में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है। सो आपको क्या करना है, लाइट फूड खाना है आपको, ग्रीसी, फैटी, ऑयली, फ्राइड, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। अब मॉनसून में जो है आपको हेयर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। हेयर प्रॉब्लम में आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा, तो आपको इसे अवॉइड कैसे करना है, अगर आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने बालों पे यूज करते हैं, आपको उन्हें इस ह्यूमिड सीजन में बिल्कुल अवॉइड करना है, जिससे आपको हेयर फॉल ज्यादा हो सकता है। सो आपको क्या करना है, रेगुलर हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों को अच्छे से शैम्पू करें और कंडीशन करें। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है, वो है स्किन प्रॉब्लम। बारिश की वजह से स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। अगर बाहर बारिश आती है तो आपको उस बारिश में नहाने नहीं जाना, क्योंकि ये जो बारिश है मॉनसून की, जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, तो आपको इससे अवॉइड करना है। उसके साथ साथ
आपको वाटर बॉर्न डिसीजेस से भी बच के रहना है, जो कि पानी में जो है डिसीजेस होते हैं। सो आपको क्या करना है, जो आप पानी पीते हैं उसे अच्छे से बॉईल करके पिएं। उसके अलावा आप जो वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं उसे अच्छे से स्टीम करके वॉश करके यूज करें। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये जो सीजन है बहुत ज्यादा आपको संभाल के अपने आप को रखना है। डायबिटिक पेशेंट्स को जो है अपने पैरों का ध्यान इस रेनी सीजन में बहुत रखना है। नंगे पांव आप ना चलें, वॉक ना करें, और स्पेशली आपके पैर जो है वो मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि मिट्टी में बहुत ज्यादा जर्म्स होते हैं। सो आपको जो है अपने पैरों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें आपको अपना ध्यान रखना है इस मानसून के सीजन में। और अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। सो आप इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो और ये जो इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अब मैं आपसे मिलूंगी एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।